Hello students, I welcome all of you in Kenneth Educare. Today we are solving exercise number 4.5 of your chapter Practical Geometry. This chapter is from your 8 Mathematics NCERT. तो आइए start करते हैं from the question number 1 से. Question 1 है, draw the following. The square READ with RE is equal to 5.1 cm दिया है, okay? तो RE क्या, READ क्या है यहाँ पर? एक square है, RE, A and D. तो ये है 5.1, तो यहाँ पर अगर ये 5.1 है तो ये भी 5.1 होगा, ये भी 5.1 होगा, ये भी यहाँ पर 5.1 होगा. ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहाँ पर हमने बना लिए, ठीक है. चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, RE को ड्रॉ कर लीजिए. 5.1 सेंटीमीटर का हमने RE यहाँ पर ड्रॉ किया. उसके बाद आपको क्या करना है, एक प्रोटेक्टर लेना है. विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर से आप R से एक 90 डिग्री का रे बनाएंगे, E से यहाँ पर एक 90 डिग्री का रे बनाएंगे, ठीक है. देन आपके कंपास में क्या करना है, आपको 5.1 डिस्टेंस मतलब RE का ही डिस्टेंस लेना है. R के ऊपर रखे यहाँ पर एक आर्क, E से रखे यहाँ पर एक आर्क, तो ये दो पॉइंट हमें यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे. देन कनेक्ट दिस टू पॉइंट्स, ओके. तो आपको ये स्क्वायर जो है RE AD आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री यहाँ पर बन गए, ओके. सो 5.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारा यहाँ पर बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग यहाँ पर दिया है, ओके. तो स्टूडेंट्स रोम्बस दिया है तो कैसे ड्रॉ करना है. रोम्बस मतलब ये होता है रोम्बस, उसके डायगोनल दिया है 5.2, ओके. सो रोम्बस के क्या होते हैं, सभी साइड्स यहाँ पर इक्वल डायमेंशन के होते हैं, करेक्ट. सो यहाँ पर दो डायगोनल्स उन्होंने दिए है, एक है 6.4 सेंटीमीटर का और ये है यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर का. होते सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6.4 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ करिए. यहाँ पर इसे नेम देते ए बी सी एंड डी. तो ए सी हमने ड्रॉ किया जो 6.4 सेंटीमीटर का, ओके. आप क्या करेंगे, अभी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ओके. हमने यहाँ पर ड्रॉ किया. अभी 5.2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 2 2 4, 2 6 मतलब 2.6 यहाँ पर हमें मिला. तो आपको क्या करना है, कंपास यहाँ पर रखना है, 2.6 का ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क. तो आपको यहाँ पर डी पॉइंट एंड बी पॉइंट आसानी से मिल जाएगा. नाउ कनेक्ट ए डी बी सी डी सी एंड ए बी, ओके. तो ये आपका रोम्बस यहाँ पर बन गया, ओके. तो ये 6.4 और ये है 5.2 सेंटीमीटर, ओके. चलो क्वेश्चन नंबर 3, अ रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. एक रेक्टेंगल दिया है जिसके एडजेसेंट साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. ए बी सी डी नाम देते हैं, ए बी सी डी. तो कैसे ड्रॉ करना है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 90 90 90. सो स्टूडेंट्स सबसे पहले ए बी को ड्रॉ करिए. ए बी जो 5 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पर ए पॉइंट आ जाएगा, बी पॉइंट आ जाएगा. ए से क्या करना है, 90 डिग्री रे ड्रॉ करना है. बी सी भी एक 90 डिग्री रे को ड्रॉ करना है. कंपास में 4 सेंटीमीटर लेना है, 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक आर्क, यहाँ पर एक आर्क. तो ये दो पॉइंट मिल जाएंगे, इन्हें कनेक्ट कर लीजिए. ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, ये आपका रेक्टेंगल यहाँ पर बन गया, ओके. 90 डिग्री आपको शो करना है, ओके. चलो तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, पैरेललोग्राम ओ के ए वाई वेयर ओ के इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, के ए इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, इज इट यूनिक और नॉट हमें बताना है, ओके. देखिए ओ के ए वाई, ओ के ए वाई, ओ के दिया है 5.5 सेंटीमीटर, के ए यहाँ पर दिया है 4.2 सेंटीमीटर, ओके. देखिए स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम हमें ड्रॉ करना है, तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, 5.5 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा. ये 4.2 है तो ये भी यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो स्टूडेंट्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमें तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो तो ऑलरेडी पता नहीं है. 4.2 सेंटीमीटर दिया है, 5.5 सेंटीमीटर दिया है एंड पैरेललोग्राम कहा है स्टूडेंट्स. इसका मतलब ये कौन सा हो सकता है यहाँ पर, इफ आई एज्यूम ऑलरेडी वी नो दैट रेक्टेंगल्स आर सो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होते हैं. तो अगर हम यहाँ पर मान के चलते हैं अगर इसका एंगल 90 डिग्री है, इट्स अ रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम, तो हम इजीली यहाँ पर बना सकते हैं, ओके. मतलब ओके को ड्रॉ करिए 5.5 सेंटीमीटर, ओके. यहाँ पर ओ पॉइंट, यहाँ पर के पॉइंट, यहाँ से एक रे ड्रॉ करिए 90 डिग्री का, यहाँ पर एक रे ड्रॉ करिए 90 डिग्री का और यहाँ पर 4.2, यहाँ पर 4.2, जस्ट इसे कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है. सो ये वाई और ये ए, तो ये है 5.5 सेंटीमीटर, ये है 4.2 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर. 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, इट्स अ यूनिक डायग्राम विच नो एज अ रेक्टेंगल, ओके.
तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.5 यहाँ पर एंड होती है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।